हेलो फ्रेंड्स, निटिंग ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैं आपको ये बहुत ही प्यारा सा ये स्टार शेप का ये टेबल मैट बनाना सिखाऊंगी। इसको मैंने कैसे बनाया है ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए मैंने 8 नंबर की नीडल मैंने इसमें यूज की हैं और ये मैंने चुन्नियों से बनाया है। ये देख सकते हो आप, चुन्नी की इतनी चौड़ी चौड़ी पट्टी आप बना लीजिए। जो भी आपके पास चुन्नी हो या साड़ी हो, कोई भी आपके पास पुरानी लेगिंग हो, किसी भी चीज़ से आप इसको बना सकते हो। और फ्रेंड्स, मैंने ये 22 फंदों से बनाया है। अगर आपको पूजा का आसन वगैरह बनाना है तो आप जैसे 40 फंदों का या और भी बड़ा छोटा अपने चॉइस से बना सकते हो। तो देखिए, मैं बताऊँगी मैंने इसको कैसे बनाया है। ये देखिए, इसमें मैंने फ्रेंड्स 22 फंदे डाल लिए हैं। 22 फंदे देखिए मैंने बिल्कुल ऐसे सिंपल डाले हैं इसमें, बिल्कुल ऐसे जैसे हम नीटिंग सीखते हैं तब डालते हैं ऐसे बिल्कुल। ये देखिए, जितने भी आपको फंदे डालने हैं आप ऐसे फंदे बिल्कुल सिंपल डाल लीजिए। तो इसमें मैंने 22 फंदे इसमें मैंने डाले हैं और एक रो मैंने इसमें उतारी है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको भी आप अगर आप पट्टी से बनाओ तो ये जो आपकी पट्टी हो आप इसी इसमें से इसको ले लीजिए। ये देखिए, ये मैं आपको उतार के दिखाऊं। इससे पहले भी मैंने ऐसे उल्टा उल्टा बनाया था, दोनों तरफ से हमने इसको उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करना है। और फ्रेंड्स, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। ये पूरी हमने ये ऐसे बेसिक रो उतार ली है। अब आप देखिए, अब यहाँ से हम फ्रेंड्स फंदे बढ़ाएंगे, ऐसे लपेटेंगे निडल पे। ये देखिए, देख सकते हो आप, ऐसे लपेटने से एक हमारा यहाँ पे फंदा बढ़ जाएगा। ये देखिए, और बाकी के हम ये फंदे उल्टे बनाएंगे। ये फ्रेंड्स, आप सिंपल भी बना सकते हो लेकिन इसमें मैंने डिजाइन डाला है। देखिए, लास्ट के हमारे जब ये 7 फंदे लास्ट के बच जाएंगे तो यहाँ से हम अपना सेकंड कलर इसमें यूज करेंगे। रॉन्ग साइड से सेकंड कलर हम इसमें लगा लेंगे। और ये जो आपकी पट्टी हो इसको भी आप इसी के अंदर ऐसे रोल कर लीजिए। ये बाकी के 7 फंदे हम सारे ही एंड तक दूसरे कलर से बना देंगे। ये देखिए, राइट साइड से फ्रेंड्स हर बार जो फंदा जैसा है हमने उसको वैसा ही बनाना है। राइट साइड से हमने इसमें कोई चेंज नहीं करना। अब देखिए, इसको हम पीछे करेंगे और पीछे वाले को आगे ऐसे क्रॉस कर देंगे पीछे से। और ये फंदे हम सारे उल्टे उल्टे बनाएंगे। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, गले के बीच में हमारा डिजाइन डलना शुरू हो गया। ये बड़ा हुआ फंदा था, इसको भी हम उल्टा बना लेंगे। अब देखिए, अब फिर हमने ऐसे ही फंदा बढ़ाना है, ऐसे हम लपेटेंगे और हमारा फंदा बढ़ जाएगा। ये हमने हमारा दूसरा फंदा है।
देखिए फ्रेंड्स, अब मैं यहाँ पे सेकंड पट्टी इसमें मैं लगाऊंगी। और इस बार जो हमने ये ऑरेंज के साथ फंदे बनाए थे, इनको भी हम बना लेंगे। इसको आप थोड़ा सा ऐसे खींच लीजिए, ये हम सारे ही फंदे बना लेंगे। ये दो फंदे हम ऑरेंज के छोड़ देंगे, आप जो भी कोई दूसरा कलर लगाओ तो आप दो फंदे छोड़ दीजिए। और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। दो फंदे फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे बढ़ गए, हमने इस साइड 6 फंदे बढ़ाने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, फिर से एक मैंने ऐसे लपेट लिया और फंदा मेरा बढ़ गया। यहाँ पे मैं अब इसमें सेकंड जॉइंट लगाऊंगी, तो आप देख सकते हो छोटी छोटी पट्टियाँ भी आप ऐसे जोड़ के बना सकते हो, आपको इसमें नोट लगाने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे यहाँ पे फ्रेंड्स 3 फंदे हमारे बढ़ गए। अब देखिए, जहाँ से हमने डिजाइन डाला था पिछले 7 फंदे हमने लिए थे, अब उसके आगे के हमने 3 फंदे और लेने हैं। 3-3 फंदे हम आगे बढ़ाएंगे। एक रो में हमने डिजाइन डाला, फिर हमने ये सारी इस वाले से बनाई, और फिर अब हम डिजाइन डालेंगे तो इसके 3 फंदे आगे के ले लेंगे। देखिए 1, 2 और 3, और ये सारे ही फंदे, इस बार हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे, इस बार हम सारे ही फंदे बना लेंगे। ये 2 हमने पहले छोड़ रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास ये छोटी छोटी पट्टियां हैं, ये भी मेरे पास ब्लैक और ये छोटी छोटी पट्टियाँ थी, इनसे मैंने इसको जोड़ के बनाया है। अगर आपके पास साड़ी हैं तो आप साड़ी से भी बना सकते हो, और चुन्नी से भी आप बना सकते हो। देखिए, इसको हम पीछे कर देंगे और पीछे से धागा हम आगे ले आएंगे ऐसे क्रॉस करके। आगे धागा लेके आएंगे और इसको हम बना देंगे। बड़ा हुआ फंदा भी हम ले लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, ये सारी ही रो हम इससे बनाएंगे। ऑरेंज की हम बीच में ही बस एक रो बनाएंगे, अब ये सारी इससे रो बनाएंगे।
देखिए फ्रेंड मेरी ये निकल गई, अगली बार मैं इसमें फिर से जॉइंट लगाऊंगी। अब ये ऑरेंज के इस बार मैं फिर से दो छोड़ दूंगी। ये देखिए फ्रेंड्स, जैसे हमने ये बनाई हैं, शुरू में हमने लिए 7 फंदे, फिर उसमें 3 और ऐड कर दिए। अब एक बार हमने बीच में ये सिंपल बनानी है, अब फिर मैं यहाँ तक ले आऊँगी और ये 3 फंदे यहाँ से मैं आगे ये सारे फंदे यहाँ तक मैं ऑरेंज के बना दूंगी। तो ऐसे 3-3 फंदे फ्रेंड्स हम आगे तक बढ़ेंगे और हम पीछे 6 फंदे छूट जाएंगे हमारे, और 6 फंदे हमारे इधर बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैं इनको बढ़ा लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी कि ऊपर हमें कैसे करना है। देखिए ये मैंने 2-2 करके 6 फंदे छोड़ दिए हैं और 6 फंदे मेरे इधर इस साइड बढ़ गए हैं। तो अब हमें क्या करना है, देखिए अब हम यहाँ पे 2 का 1 बनाएंगे। जैसे हमने फंदे बढ़ाए थे ऐसे ही अब इनको हम घटाएंगे, 1 फंदा हमने घटा दिया। ये देखिए यहां से हमने पहले ये बनाया था, इसके आगे हमारे 3 फंदे हैं, तो हम यहाँ से अपना इसके क्रॉस करा देंगे। फ्लावर को हम ऊपर की तरफ ही अभी बढ़ाएंगे। ये 3 फंदे हमने ऊपर के ले लिए और बाकी के ये सारे फंदे भी हम ऑरेंज ही बना देंगे। एक रो में फ्रेंड्स हम फंदे छोड़ेंगे और एक में हम एंड तक यहाँ तक बना लेंगे। ये देखिए ये हमारे 6 हैं और ये हमारे आगे हमने 2 और बना लिए। जैसे हम धागे को क्रॉस करा देंगे। देखिए फ्रेंड्स ये हमने यहाँ पे 1 फंदा घटा दिया है। अब हम ऐसे ही हर बार 5 फंदे हमारे रह गए, 1 और हमने घटा दिया और ये सारे ही फंदे अब हम बना लेंगे। इस रो में फ्रेंड्स जो ऑरेंज वाले भी थे वो भी हम इसी कलर से बनाएंगे, जो भी आपका बेस कलर हो। फ्लावर हमारा ऐसे ही चलेगा ऊपर तक। इस बार हम ऑरेंज के 2 छोड़ देंगे, जो भी आप कोई कलर लगाओ फ्लावर के लिए। अब इस बार हमने ये 6 हमारे पहले के थे और 2 हमने इस बार छोड़ दिए। ये आपके प्रोजेक्ट में फ्रेंड्स जितने भी फंदे हो आप ऐसे ही बनाइएगा। चार फंदे हमने फ्रेंड्स और घटाने हैं। हर रो में हम 1 फंदा घटा देंगे।
ये एक्स्ट्रा फंदे को हम बाद में काट देंगे। ये देखिए हमारे यहाँ पे घटने लग गए। मैं एक बार आपको ये रो और उतार के दिखा दूँ, फिर मैं इसको आपको पूरा करके दिखाऊंगी। ये देखिए एक बार हमने इस बार घटा दिया, तीन हमने फंदे घटा दिए। तो देखिए फ्रेंड्स ये तीन फंदे, और हम पिछली बार हमने यहाँ से शुरू किया था, तीन फंदे हम और ऊपर की तरफ बढ़ जाएंगे। और इस रो में हम इस कलर के ग्रीन वाले कलर के सारे ही फंदे, हम जहाँ तक हमने ऑरेंज छोड़ रखे हैं वहाँ तक हम ये फंदे बना लेंगे। ये देखिए, तो फ्रेंड्स अगली बार मैं ये दो फंदे और छोड़ दूंगी। ये देखिए, और एक फ्लावर और हमारा यहाँ पे बनेगा, और फिर ये फ्लावर एक बार और हम दो छोड़ देंगे, हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मैं ये इसको पूरा कर लेती हूँ, फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि ऊपर हमें क्या करना है। देखिए मेरा फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया। छह फंदे हमने यहाँ पे इधर बढ़ाए थे, फिर छह हमने इधर घटा दिए। जब हमने छह फंदे बढ़ाए थे तो ये हमने छह फंदे छोड़े थे, फिर हमने जब घटाए तो ये छह हमने और छोड़ दिया। आप देख सकते हो ऑरेंज कलर के हमारे ये 12 फंदे हैं। अब देखिए अब हमें क्या करना है, ये कली हमारी बनके कंप्लीट हो गई। इस रो में हम सारे ही फंदे, जो भी आपका बेस कलर हो उससे आप सारे ही फंदे बना दीजिए। अगर आपको गैप लगे तो बीच में से एक फंदा उठा के इसके साथ दो का एक ऐसे कर देना, का गैप खत्म हो जाएगा। देखिए ये हमारी राइट साइड है, तो राइट साइड से भी हम उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। अब जैसे हमने स्टार्टिंग की थी ऐसे ही आप अगली कली की स्टार्टिंग कर देना। अगर आपको और किसी कलर की बनानी है तो आप इसमें कलर चेंज भी कर सकते हो। देखिए ये हमारा एक फ्लावर बनके कंप्लीट हो गया। अब अगली कली की स्टार्टिंग मैं आपको बता दूं, ऐसे ही हमने स्टार्टिंग करनी है। यहीं से हमने ऐसे घुमा के और अपना ये फंदा एक बढ़ा देना है। इसकी मैं आपको स्टार्टिंग करके बता दूं। देखिए चार और तीन, सात फंदे हमारे जब बच जाएंगे तो यहाँ पे हमने अपना सेकंड कलर लगाना है, जैसे हमने पहले स्टार्टिंग की थी ऐसे ही। ये लास्ट के फंदे हम सात सेकंड कलर से बनाएंगे। इस रो में हम कोई फंदा नहीं छोड़ेंगे। ये देखिए ये हमारे यहाँ से डिजाइन की स्टार्टिंग हो गई, जैसे हमने ये यहाँ से की थी। अब अगली बार फिर हम बनाएंगे, एक रो हम बीच में बेस कलर की उतारेंगे,
उसमें हम दो फंदे छोड़ देंगे। फिर हम ऑरेंज से बनाएंगे तो आगे के तीन फंदे यहाँ से हम ऊपर की तरफ बढ़ते बढ़ते जाएंगे, जैसे हमने नीचे फ्लावर कंप्लीट किया है। तो फ्रेंड्स, आप ऐसे कंटिन्यू बनाते जाओगे तो देखिए आपका कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी डिजाइन की। तो फ्रेंड्स, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, ये बनाने में बहुत ही ईजी है। और मुझे कमेंट करके बताना आपको डिज़ाइन कैसा लगा। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।